हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 17th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा अ सर्टन मशीन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 48%, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 20, फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2 kN यूजिंग दिस मशीन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूला इसका यूज करेंगे जो हमने सिंपल लिफ्टिंग मशीन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन यूनिट में यूज होने वाले सभी फार्मूलेज मिल जाएंगे। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका गिवन डाटा लिखेंगे, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखना जरूरी है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको गिवन डाटा पहले लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा है अ सर्टन मशीन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 48%। यहाँ पे परसेंटेज इफिशियंसी दिया है, कितना दिया है 48%। ओके, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 20। तो वेलोसिटी रेशियो दिया है, इट मीन्स वी आर दिया है, कितना 20। ओके, क्वेश्चन को आगे लिखा है कि फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड, एफर्ट फाइंड आउट करना है। एफर्ट को पी से शो करते हैं और लोड को डब्ल्यू से शो करते हैं, तो यहाँ पे एफर्ट इट मीन्स पी फाइंड आउट करना है टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2 kN। देखो लोड दिया है, इट मीन्स डब्ल्यू का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2 kN। kN है तो आप इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन में तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2000 N इस तरह से, क्योंकि 1 kN माने 1000 N होता है। तो ये दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एफर्ट इट मीन्स पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बस गिवन डाटा इतना ही है। तो चलो अब ये डाटा का यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पी फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इफिशियंसी दिया है हम इफिशियंसी का फार्मूला यूज करेंगे। इफिशियंसी का फार्मूला क्या है, देखो स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए बाय वी आर इन 200। देखो ये फार्मूला है इफिशियंसी का, यहाँ से आप एफर्ट पी निकाल सकते हैं। अब आपके मन में आएगा यहाँ पे पी तो है ही नहीं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये जो एम ए है, एम ए माने मैकेनिकल एडवांटेज, ये एम ए का फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई पी, एम ए होता है दैट इज डब्ल्यू बाई पी। तो यही एम ए का यूज करके हम आसानी से पी निकाल सकते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम सीधा सीधा इफिशियंसी का फार्मूला यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफिशियंसी दैट इज परसेंटेज एन, हम वो फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज क्या बताए थे, एम ए बाय वी आर इन 200। एम ए माने मैकेनिकल एडवांटेज, वी आर माने वेलोसिटी रेशियो। तो एम ए के जगह हम यहाँ पे डब्ल्यू बाई पी लिख सकते हैं, हमने जो फार्मूला बताया है डब्ल्यू माने लोड पी माने एफर्ट, तो एम ए की जगह हम डब्ल्यू बाई पी यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में डब्ल्यू बाई पी और डिवाइडेड बाई वी आर, वी आर कितना है, देखो वी आर का वैल्यू हमें पता है, हम लिखेंगे 20 × 200 और यहाँ पे परसेंटेज इफिशियंसी वो कितना है 48% है, तो हम यहाँ लिखेंगे 48। ओके, और अब हम यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू भी पुट कर लेंगे, तो ये हो गया 48। बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, W का वैल्यू कितना है 2 kN। अगर आपको kN के फॉर्म में सॉल्व करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन अगर आपको न्यूटन के फॉर्म में सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे 2000 लिखना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे 2000 बाई पी डिवाइड बाई 20 × 200। अब देखो ये पूरे इक्वेशन में क्या अननोन है, सिर्फ पी अननोन है, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम इसको ऐसे करेंगे 48 इक्वल्स टू 2000, ये जो p है वो हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा p इंटू 20, ये ऐसा हो जाएगा इन 200। देखो कितना आसान, ठीक है, ये यहाँ पे 2000 बाई पी था, वो पी हमने डिनोमिनेटर में लेके चले गए, ऐसा हो गया। और अब क्या करो, ये पी को 48 के प्लेस पे लेके जाओ और 48 को पी के प्लेस पे लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा पी इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 20 × 200, ठीक है। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो हमें पी मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं ये कितना आता है, तो हम ये लिखेंगे 2000 न्यूमरेटर में इंटू 100 भी है और डिनोमिनेटर में 48 × 20, तो ये सॉल्व हमने कर लिया है। इसका आंसर आया है 208.333, तो हम लिखेंगे 208.333 और ये हमने न्यूटन में सॉल्व किए थे, तो जाहिर सी बात है जो पी का जो यूनिट है वो हम न्यूटन में ही लिखेंगे। अगर आपको kN के फॉर्म में सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा वो kN के फॉर्म में ही आएगा। अगर आपको इसको kN में कन्वर्ट करना है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, पी इक्वल्स टू 0.208 kN।
न्यूटन। हमने क्या किए, ये जो पॉइंट है इसको 3 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए तो हमें किलो न्यूटन के फॉर्म में आंसर मिल गया। एग्जाम में आप कोई भी एक फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, एफर्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा था, एफर्ट हमें मिल गया और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था सिंपल लिफ्टिंग मशीन का प्रॉब्लम नंबर 17। इसके पहले जो हमने इसके 16 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज़ में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।